बारिश जब थोड़ी कम हो गई, हम मालशेष घाट का आनंद लेने के लिए निकल पड़े। पुणे से लगभग 100 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ा और हम वाटरफॉल्स के बीच पहुंच गए। जिधर भी नजर जाती थी वहां कोई ना कोई वाटरफॉल दिख ही जाता था। कुछ एकदम पास थे और कुछ थोड़ी दूरी पर। दृश्य इतना सुहाना था कि नजर हटाने को जी नहीं जा रहा था। पेड़ पौधों से बनी हरी चादर से ढके हुए बड़े बड़े पहाड़ और उन्हीं के बीच से बहता हुआ झरना। बारिश में स्नान के बाद सभी पेड़ पौधे साफ सुथरे लग रहे थे। पेड़ों के बीच दिन में भी काफी अंधेरा हो गया था। अंधेरे में पसरती हुई एक अजीब सी आवाज और पेड़ों की पत्तियों से गिरता हुआ टप टप पानी, अद्भुत दृश्य था। वो लगा जैसे कोई ध्यान में बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा हो। पहाड़ों से गिरते हुए पानी से जो आवाज निकल रही थी उसमें कुछ अजीब सा आकर्षण था। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी के सब्र का बांध टूटा जा रहा था और वो बहते हुए झरने का आनंद लेने के लिए बेताब हो रहे थे। ऐसा ही कुछ हम भी महसूस कर रहे थे। जो भी कपड़े हमने पहने हुए थे उन्हीं के साथ हम भी झरने के पानी का मजा लेने लगे। पानी की धार इतनी बलशाली थी कि उसके नीचे तो हम पल भर के लिए भी नहीं खड़े हो पाए। हल्की सी बारिश में झरने के पानी में भीगने का आनंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कुछ ही देर में तेज बारिश पड़ने लगी, पहाड़ों का मौसम खराब होने लगा, चारों तरफ धुंध ही धुंध, विजिबिलिटी कम होने लगी। तब हमने वापस लौटने का सोचा। झरने के पानी में भीगने के आनंद ने हमें यह तक भुला दिया था कि वापस हमें गीले कपड़ों में ही लौटना पड़ेगा। घर पहुंचते पहुंचते गीले कपड़े काफी हद तक सूख गए थे और हमें बेहद सर्दी लग रही थी, पर झरने के पानी में भीगने की खुशी का एहसास अभी तक हमारे दिलो दिमाग में ताज़ा बना हुआ है।